तो आज हम ये समझेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, राइट? आप सब लोग लीडर हो, इसीलिए हम आज लीडर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीवन में अगर एक व्यक्ति को कामयाब होना है तो करना क्या होता है। आप सब लोग वो लीडर हो जो कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज आप एक ह्यूमन हो। एक इंसान ये वो व्यक्ति होता है, एक इंसान ऐसा होता है जो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। वो इंसान आप भी हो, राइट? अब वो इंसान कैसे, समझिए, मैं कहानी से आप सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि हम वो इंसान है, अगर मैं हिंदू धर्म से बताऊं तो हनुमान जी को अपनी शक्तियां क्या थी पता नहीं है, राइट? इसको ही दूसरी तरह से बताता हूं। एक बार का क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा घर था और वो बहुत लखपति व्यक्ति का घर था, और उसमें इतनी सारी कीमती चीजें थी, इतनी सारी कीमती चीजें थी, लेकिन लेकिन उस घर में कोई प्रॉब्लम हो गया और प्रॉब्लम की वजह से उस घर की नीलामी लगने लगी। घर बेचने को आया और घर बेचने के आने के बाद लोग जो उस घर में रहने वाले थे वो रास्ते पे आ गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों रुपए का कर्जा है, इस कर्जे को नील कैसे किया जाए। घर की सारी चीजें बेचने चालू हो गई, कीमती कीमती वस्तुएं थी, जो पुरानी वस्तुएं थी, बहुत दिनों से उस घर में रखी हुई थी, जैसे पुरानी किताब जो किसी के पास नहीं थी उस घर में थी, जैसे कोई ऐसा बर्तन जो उसी घर में था कहीं और नहीं था, और ऐसे महंगे महंगे वस्तु का कोई पेंटिंग का एग्जीबिशन चल रहा है, हर वो पियानो का एग्जीबिशन चल रहा है, हर वो वस्तुओं का वहां पे एग्जीबिशन चल रहा था। सब घर के सब सामान बेचने के बाद भी जो कर्जा था करोड़ों रुपए का वो क्लियर नहीं हुआ, और लास्ट में कुछ टूटी फूटी जो चीजें थी उसकी नीलामी नहीं लगी। उसमें से एक व्यक्ति का नजर पड़ा एक गिटार के ऊपर, और जैसे उस गिटार के ऊपर नजर पड़ा उस व्यक्ति का, तो उसने देखा एक गिटार क्या यूज आ सकती है। उसने उठाया, पूछा कि इसकी बोली कौन लगाना चाहता है। लोगों ने गिटार देखी, टूटी ताटी थी, किसी ने बोली नहीं लगाई, सब लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, कोई खरीदना नहीं चाहता था। उसने बोला कि 10,000 कोई लेना चाहता है, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन उसके बाद उसी व्यक्ति ने उस गिटार के जो टूटे हुए तार थे उसको थोड़ा ठीक किया, उसको लगाया, और तार ठीक करने के बाद उसको बजाया, और इतना अच्छा बजाया, इतना अच्छा बजाया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और सब लोग इतने प्यार से सुंदरता से सुन रहे हैं, वाह क्या गिटार बज रही है, सब लोग मोहित हो गए उस गिटार से। और फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि इस गिटार का रेट 20,000 रुपए कौन देना चाहता है। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, बोले 20,000 में, किसी ने 40 बोला, किसी ने 1 लाख बोला, किसी ने बोला 1.5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़। सब बर्तन मिलके, सब घर के सब वस्तुएं मिलके उस घर का जो रेंट था, जो पैसे उसके ऊपर कर्जे के थे वो क्लियर नहीं हुए, लेकिन वो गिटार टूटी हुई कोने में पड़ी थी, लेकिन उसके तार जो थे, तार जोड़ने के बाद जो बजी उसका वैल्यू बढ़ गया, और उसका वैल्यू बढ़ने की वजह से सब लोग ये समझ गए कि ये गिटार बड़ी पावरफुल है, मंत्रमुग्ध कर देंगे, और उसकी करोड़ों में बोली लगी, और करोड़ों में बोली लगने की वजह से उस घर का सब कर्जा नीलामी सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों, हम सब वो लोग हैं जो टूटी तार की तरह है, टूटी गिटार की तरह है। हम सब लोग वो लोग हैं जिसके जो तार है थोड़े कम ज्यादा है, किसी के टूटे हैं, किसी के सही है, किसी कैसे है। तो यहां से ये सीखने का मौका मिलता है, अगर हम अपने जीवन के तार सही से जोड़ ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, और हम वही लोग हैं, राइट? ये कहानी फिर से मैं आप सबको बताता हूं। एक लड़का ग्रामीण भाग से, बिहार से निकल के क्रिकेट की चाहत रखने वाला
सिटी में गया, मुंबई जैसे सिटी में, और वो ग्राउंड के बाहर में, उसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, उसने एक टपरी थी ग्राउंड के बाहर में पानी पूरी की, वहां पे जॉब करना चालू कर दिया। जॉब करते करते वहां पे देख, वहां पे खेलने के लिए साइड में उनको ही देखता था, और बाहर आके प्रैक्टिस करता था। वो अंदर ग्राउंड था, बाहर देखता था और बाहर आके प्रैक्टिस करता था, और पानी पूरी बेचता था। पानी पूरी का बहुत दिन गाड़ा चला चला, उसने हिम्मत नहीं हारी। और दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, उसकी वीडियो, उसके रील्स बड़े वायरल हो रहे हैं। वो आज इंडियन की क्रिकेट टीम में 30 प्लेयर में उसका नाम है, जो पानी पूरी बेचने वाला व्यक्ति। हेलो दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप सब लीडर वो लीडर है जो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है, राइट। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि लीडर पावरफुल होता है, जो लीड करता है सब लोगों को। दोस्तों आज इसी तरीके से एक माहौल हमारे बीच में चल रहा है, जो मैनेज करने वाला, एक घर में आग लग जाती है तो घर में आग लगने के बाद हमारे पास दो चीजें हैं, एक हाथ में रॉकेल की बकेट है, पेट्रोल की बकेट, और एक हाथ में पानी की बकेट है। हमें क्या छिड़कना है यह हमारे ऊपर डिपेंड है, रॉकेल छिड़कना है या पानी छिड़कना है, दोनों बकेट आपके हाथ में है, राइट। तो सो दोस्तों आज पूरी इंडिया में जॉबर हब लोगों से 1 रुपया ना लेते हुए लोगों के घर में पैसा दे रहा है। कोई 500 रुपए कमाए कमा रहा है प्रतिदिन का, कोई 1,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है। ये कल्चर का बड़ा आज किसी के घर में 500 रुपए जा रहे हैं, किसी के घर में 1,000 रुपए जा रहे हैं प्रतिदिन के, किसी की 4 ID लगी है, किसी की 5 ID लगी है। इवन आप 700 रुपए का भी कोर्स को अगर समझते हो, तो 700 रुपए में भी कौन सा इंडिया में ऐसा प्लान है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो एडिटिंग सिखाया जाता है। सेकंडली, बिजनेस डेवलपमेंट में कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट 700 रुपए में सिखाया जाता है? कौन सा ऐसा प्लान है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है, जो बिजनेस ब्रांडिंग सिखाता है, जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, जो मनी मेडिटेशन सिखाता है, जो मेडिटेशन सिखाता है, जो AI टूल्स के बारे में सिखाता है, जो स्टॉक मार्केट बेसिक के बारे में सिखाता है? कौन सा ऐसा प्लान है इंडिया में जो 700 रुपए में ये सब चीजें सिखाता है? सेकंडली, इतना होने के बाद सेकंडली 700 रुपए में एफिलेट भी देता है। 500 रुपए तो एफिलेट में जाते हैं, 200 रुपए में ऑफिस स्टाफ खर्चा चलता है। अब आप मुझे बताइए, क्या कसूर है कोई जॉबर अप का? आप मुझे ये मैसेज करके बताइए, क्या कसूर है जॉबर अप का? देखो, हर चीज का वैल्यू होता है, एजुकेशन का हो, किसी पानी की बोतल हमें दिखती है, पानी की बोतल, अरे ये पानी की बोतल तो भाई 10 रुपए में आती है, लेकिन दुकानदार बेच रहा है 20 रुपए में, तो 10 रुपए, अरे ये फालतू कमा रहा है, 15 ही कमाने चाहिए थे, लेकिन वो कमा रहा है ज्यादा। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसकी नीड है, शॉप का रेंट है, सब कुछ चीजें हैं, और पानी तो फ्री में देना चाहिए यार, पानी का पैसा क्यों लेता है कोई? तो भाई पानी का वैल्यू है, पानी प्याज बुझाता है, आप नल का क्यों नहीं पी लेते? नल का नहीं पी सकते, राइट। बॉटल का ही चाहिए तो उसका वैल्यू है, एक वैल्यू देना पड़ता है। दोस्तों कोई भी फील्ड हो जहां पे गुरु दक्षिणा ना हो। अब हमने जब स्टॉक मार्केट का कॉल्स भी देते थे, जब स्टॉक मार्केट का प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते थे, उस समय में जब ये सब देते थे तब लोगों को वैल्यू नहीं था। जब यस सर खुद क्लास लेते तो लोगों को वैल्यू नहीं था। जब कॉल्स मिलते थे कि आज कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा माइनस जाने वाला है, कॉल्स मिलते थे लोगों को, तब लोगों को वैल्यू नहीं था। जब देना बंद कर दिया तो लोगों ने पूछना चालू कर दिया, अरे सर, तो लोगों ने पूछना चालू कर दिया, सर कब चालू होगा स्टॉक मार्केट? जब चालू था तब लोगों ने वैल्यू नहीं किया, राइट। जब जब आप सभी को
डिजिटल मार्केटिंग के लीड जनरेट कैसे करनी है, उसके बाद फेसबुक पे काम कैसे करना है, इंस्टा पे काम कैसे करना है, रील्स बना के फोटो वीडियो कैसे बनानी, ये सब जब मैं क्लास लेता था तब लोगों को वैल्यू नहीं था, लेकिन उसको ही एडवांस तरीके से लाया तब लोगों को वैल्यू आई, राइट। तो दोस्तों ऐसे भी मार्केट में प्लान है जो 700 रुपए पे करने के बाद, ऐसे भी प्लान मार्केट में है। दोस्तों मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, ये अनोखा प्लान है। अब थोड़ा सा एक चीज और इसमें है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, ओके ओके चल। अब एक चीज और इसमें आई थी कि अब हमारे प्लान में सिर्फ विड्रॉल सिस्टम का थोड़ा सा दिक्कत था कि सर विड्रॉल सिस्टम कैसे करें, ये सब आपको दिक्कत जब आ रहे थे। तो दोस्तों विड्रॉल सिस्टम के लिए जब 10-10 तारीख को हर महीने होता था, तो हमने उसकी जगह पे क्या किया कि विड्रॉल सिस्टम लाया। अब विड्रॉल सिस्टम में क्या हो गया, आप सबको पता है अब सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट हो रहा है, और इस कदर पे सॉफ्टवेयर आ रहा है कि उस कदर पे आपको हर वो चीज एडवांस तरीके से मिलेंगी, जैसे एप्लीकेशन है, सर्विस सेक्टर है, यूटिलिटीज है, जैसे रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, टिकट पे करना है, इस तरीके से सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं हमारे बीच में। आज पूरे इंडिया में 1,10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतने फास्टली आज एक दिन में 1,000-1,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इतने फास्टली तेजी से काम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने लोगों को पैसे नहीं मांगा है, और जो पैसे मिल भी रहे हैं, जो 700 रुपए, तो वो नथिंग है, कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है। आज भी कंपनी जब, जैसे अब ललित सर यस सर मेरी बात किया जाए, हमारे पास कुछ ज्यादा बचता नहीं है, बिल्कुल सुनना, एक मान लीजिए कि एक आपको जितना पेमेंट आता ना उतना हमको आता होगा, बस एक बड़ा सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे कंपनी को लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हर वो लीडर के पास पैसा है, सिर्फ पैसा है। आज ज्यादा प्रॉफिट ना लेते, ज्यादा मतलब कितना लेना चाहिए हमने, कम से कम 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कम से कम तो लेना चाहिए यार। अब सोचो उससे भी कम लेते हैं, उससे भी कम लेते हैं, और सिर्फ अपना घर चले सिर्फ उतना जितना आपको पेमेंट आता है। आप सोचिए इतने कम इसमें, इतने बड़े लेवल पे कंपनी में काम क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने फ्यूचर प्लानिंग देखा है। आज एक सर्विस हमारे पास आ गया रिचार्ज, और रिचार्ज से सिर्फ 10 पैसे आते हैं, और एवरीडे 10,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिचार्ज करते 10,000 लोग, लाखों लोगों की टीम है। तो एक ही दिन में 1,000-1,000, 2,000 एक ही दिन में आते रहेंगे सिर्फ एक रिचार्ज से। फिर तो सर्विसेस अलग अलग है, इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस से कंपनी को 100 रुपए भी बचते हैं, 100 रुपए एक दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस हो गया तो 1,00,000 रुपए दिन का आएगा। हम ये फ्यूचर देख रहे हैं, और इसीलिए आप सभी को ये सब चल रहा है। आज एक सॉफ्टवेयर नॉर्मल लेवल पे नहीं बना रही कंपनी, ये कितने एडवांस लेवल पे कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है कि आप देखे आगे जाके कि हर वो चीज सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब देखिए मैं भी भगवान नहीं हूं बनाने वाला, तो मैं तो इतना इंटेलिजेंट रहता कि मैं सॉफ्टवेयर सब कुछ बना लेता तो मैं अभी आपको यहाँ पे प्रूफ कर देता, लेकिन सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं दिया है, पैसा दिया है कहीं ना कहीं बनाने के लिए। कुछ काम बेंगलुरु से चल रहा है, कुछ काम दिल्ली से चल रहा है, कुछ काम दुबई से चल रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को ये सब काम दिए गए। तो इतने एडवांस लेवल पे हम जो काम कर रहे हैं, वो काम एडवांस लेवल पे क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है कि हमें सिर्फ अभी महाराष्ट्र इंडिया लेवल पे नहीं, इंडिया के कोने कोने में हमें पहुंचना है, हर सर्विस के साथ हमें पहुंचना है। तो जिसके लिए हम ये सब मेहनत अभी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यार विड्रॉल सिस्टम, जैसे अभी देखो मैं आपको सीट अगर अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं तुरंत सीट दिखा सकता हूँ कि देखो इतने लोगों के पेमेंट चले गए हैं। अब जो पेमेंट जाते हैं तो जो बैंक के पास अप्रूवल के ले जाते हैं, और तो बैंक कभी अभी मान लीजिए छुट्टी आ गई, कभी बैंक में ज्यादा पेमेंट हो गए, तो 1 by 1 वो चेक करके, अरे यार इतना पेमेंट क्यों जा रहा है, वीकली लोगों में 50-50 लाख 1-1 करोड़ कैसे बांटा जा रहा है। कंपनी भी बैंक भी सोचने पड़ जाती है, यार ये लोग तो पैसे लेने किसी से, और लाखों रुपए कैसे किसी के अकाउंट में डाला जा रहा है, राइट। और इसी को चेक करने के लिए एक दिन दो दिन कम हमारे पास से विड्रॉल होने के बाद
खुद बैंक चेक करती है कि ये पैसा इतना क्यों जा रहा है, किसका अकाउंट जुड़ा है, फिर वो चेक करती है अरे इसका पैन कार्ड है, इस पैन कार्ड पे इतने पैसे जा रहे हैं इस पे, फिर हमको पूछते हैं सवाल करती है कि ये पैसा क्यों दे रहे हैं, तो हम बताते कि ये हमारे एफिलिएट पार्टनर है, ये डीमैट अकाउंट इन्होंने अपनी टीम के माध्यम से किया, हमने एफिलिएट रेफरल इनकम उनको दिया है, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और इसीलिए आज जो आपका पेमेंट होने वाला था ये मंडे के दिन होगा, मंडे या संडे, जैसे कल भी हो सकता है शाम तक, पिछले बार जैसे हुआ था आप सब तो जानते हैं 21 तारीख को था, 25 तारीख हमने बताई थी और 22 तारीख पे सबके अकाउंट में पैसे चले गए थे। तो इसी तरीके से ये जो पेमेंट है ये मंडे के दिन चला जाएगा, मंडे के दिन। हाँ, इसमें एक गुड न्यूज है, आप सब लोगों का सवाल है सर फिर विड्रॉल सिस्टम लाया हमने तो उसका क्या बेनिफिट है, तो उसका बेनिफिट दोस्तों ये है, जो विड्रॉ सिस्टम लाया, जिन लोगों ने पेड आईडी आज लगाई, आज टोटल 22 लोगों ने पेड आईडी लगाई है आज के डेट में, अब 22 लोगों की पेड आईडी आज ही हमने विड्रॉल कर दी, विड्रॉ सिस्टम आज ही डाल दिया, तो इन लोगों का भी कि कौन से दिन को पेमेंट आएगा, मंडे के दिन आएगा, जिन लोगों की आज पेड आईडी लगी है उनका भी पेमेंट कब आएगा, मंडे के दिन आएगा। अब गुड न्यूज और बता देता हूं मैं, तो दोस्तों गुड न्यूज और ये है, अरे कल सिर्फ लैपटॉप ब्रेक लगा, कल सिर्फ मीटिंग करते हैं लगा, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी शो किया है, मैं उसको कैंसिल करता हूँ। तो गुड न्यूज ये है दोस्तों आपको कि जो हमारा पेड कोर्स था जिसमें हमने सिर्फ पेड नहीं रखा है, कल सर का सिर्फ हमने पेड नहीं रखा, पेड के साथ आपको एडवांस में ₹100 एक्स्ट्रा, जैसे आपने आज एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल किया, ग्रोथ मास्टरी का क्लास आपने शेयर किया और उसके लिंक से आपके किसी ने ज्वाइन किया तो आपको ₹100 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और दोस्तों ये इसमें कोई एडमिन चार्ज और टीडीएस नहीं कटने वाला है, टोटल ₹100 आपको टोटल मिल जाएंगे, जैसे आपको ₹300 में से ₹256 आएंगे और उसमें ये ₹100 आ जाएंगे, टोटल आपके पास ₹356 आ जाएंगे, जहां पे 256 है ना एडवांस में, और ये कोई पेमेंट होल्ड नहीं होने वाला है, ये प्रतिदिन विड्रॉल होने वाला है, प्रतिदिन ये आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है, जो भी आज पेड आईडी कर रहे हैं, जो भी लोग पेड आईडी पे काम कर रहे हैं उनका प्रतिदिन पैसा आने वाला है, और हमारे कंपनी की तरफ से ₹100 एक्स्ट्रा बोनस है डायरेक्ट के लिए, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट करेगा उनको सभी लोगों को ₹100 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, इसको स्क्रीन को थोड़ा ऑफ कर दीजिए, तो आप मुझे बताइए कैसा रहेगा दोस्तों कि अगर आपको ऑफर भी मिले और ₹100 एक्स्ट्रा मिले और प्रतिदिन पेमेंट मिले, प्रतिदिन आपके अकाउंट में आएगा तो कैसा रहेगा दोस्तों। मैं जैसे अब देखो प्रतिदिन तो बोल रहा हूं, हो सकता है कि एक दिन बाद आए, लेकिन जरूर आए, हर दो दिन बाद आए, एक दिन बाद आए, दो दिन बाद आए, तो इस तरीके से ये ऑफर, हाँ ये ऑफर जो है ये लिमिट है 30 तारीख तक, इस महीने के लास्ट तारीख तक, अभी से स्टार्ट हो गया, आज जिन लोगों ने बनाया अकाउंट उनको भी ये ऑफर लागू हो गया, ₹100 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, पेड आईडी पे आईडी बनाने पे ₹100 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे आपने एक किसी का ₹700 का एक ज्वाइनिंग किया तो आपको ₹356 मिलेंगे, ₹256 वो और ₹100 ये टीडीएस काट के बोल रहा हूं, अगर टीडीएस जोड़ के बोलो 300 और 100 तो कितना हो गया ₹400 आपको मिलेंगे एक आईडी पे। अब इंडिया में मुझे वो प्लान बताइए जो ₹700 के ज्वाइनिंग पे ₹400 देता है, ₹400 बताते, टीडीएस टैक्स कोई बताता नहीं है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो कट के, लेकिन इंडिया में ऐसा कौन सी कंपनी है जो ₹700 के ज्वाइनिंग पे कोर्स भी दे, एफिलिएट के ₹400 दे डायरेक्ट। दोस्तों तेजी से पेड कोर्स के ऊपर तेजी से काम करना चालू कर दीजिए अभी, यस ओके क्लियर। तो इंडिया में ऐसा कौन सा प्लान है जो ₹700 में आपको ये सब कुछ चीजें देता है, ₹400
प्रति अकाउंट, थोड़ा इमेजिन कीजिए यार, इमेजिन कीजिए, राइट। सो दोस्तों इसके बाद और एक गुड न्यूज आपको फिर से बताना चाहता हूं। जैसे हमारा अभी एंजल वन में दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमें साथ ही मिलेगा, 100 रुपए कब मिलेगा पूछ रहे हैं, साथ ही मिलेगा जब आपका ये, आज जिन्होंने भी अकाउंट बनाया हम पर डे पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये पूरा पेमेंट निकल जाए, जो हमारा 20 तारीख का पेंडिंग पेमेंट था ये पूरा निकल जाए, उसके बाद पर डे आपको वो पेमेंट देने का हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से वो प्रोसेस रहेंगे। अब मेरी बात आगे की ध्यान से सुनिए, जो एंजल वन में है हमें डीमैट अकाउंट बनाने हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है क्योंकि जब आप ओटीपी शेयर करते हैं तो वो टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है, वो कंपनी के पास जा रहा है और कुछ इसमें और कुछ प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आपको जो आपके डीमैट अकाउंट वाले प्रोसेस है अगर वो करते हैं तो वो कंपनी के पास अगर डायरेक्ट चले गए हैं तो जॉबर हब के माध्यम से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो कोड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आपको जो भी आपके डीमैट अकाउंट वाले अकाउंट होंगे वो पेंडिंग रखिए और उसको ये 1 तारीख के बाद डालिए, 1 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए और हो सके तो जो पेंडिंग है अब उस समय में यहाँ पे पेड कोर्स का पैसा मिलेगा प्रतिदिन और जो पेंडिंग वाला होगा उसमें भी एक बड़ा इंसेंटिव आपका बनेगा। अगला महीना में कोशिश कर रहे हैं हम कि बड़े लेवल पे इंसेंटिव भी आपको उसमें लगाया जाए, जैसे फ्री में आईडी बनानी है तो फ्री में भी बन सकता है, बड़े अभी से रजिस्ट्रेशन करके रखिए कोई दिक्कत नहीं, डीमैट अकाउंट 1 तारीख के बाद ओपन कीजिए, राइट। तो वहां पे भी आपको अलग से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, समझ पा रहे, उसका भी एक ऑफर लगा रहे हैं। थोड़ा सा अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है एंजल वन के तरफ से तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुक जाना है। तो लोनावड़ा ट्रिप जो है उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, 15 और 16 तारीख को हमारा बड़ा इवेंट है जिसमें नए नए प्रमोशन हुए हैं उनको भी स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा और जो लोग बाहर बाहर से आ रहे, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई तेलंगाना से, कोई दिल्ली से है, 2-3 दिन का उनका ट्रैवलिंग है, आपको पूना में आना है, पूरा डिटेल जो भी है उसका स्वप्निल जी ग्रुप पे डाल देंगे कि आपको कहाँ पे आना है, पूना में आना है, पूना एक सेंटर है, पूना से आपको 70-80 किलोमीटर है, वो 40-50 किलोमीटर है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 20-50 रुपए टिकट है वहां पे ट्रेन की, वही से ट्रेन मिल जाती है, 1-1 घंटे में ट्रेन मिल जाती है, वहां पे पहुंचिए, वहां पे मिलके एक बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करने वाले हैं, मिलके एक बड़ी जश्न करने वाले हैं और बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। जॉबर हब बड़े लेवल पे काम करने के लिए तैयार हो रहा है, मैं उदाहरण बताता हूँ हमेशा कि जब रोड बनते हैं, जब कंस्ट्रक्शन बनते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि रोड में बड़े सारे प्रॉब्लम रहते हैं क्योंकि गाड़ियों का ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ते पे धूल उड़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब ड्राइवर बन जाता है ना, एक बार जब पुल बन जाता है तो गाड़ी बड़ी तेजी से चलती है। और दोस्तों वो यही दिन है, यही सब है कि अभी जो समय हमारा वो ड्राइवर बनने जा रहा है, जब ये बन जाएगा तो तेजी से काम होगा। कंपनी के जो भी मेंबर्स है, लीडर्स है, वो भी एक इंसान ही है, कम ज्यादा होता है हर व्यक्ति से, जैसे मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, नेटवर्क डिपार्टमेंट को जॉबर हब में संभालता हूँ तो एडमिन पैनल डिपार्टमेंट को ललित सर संभालते हैं, ओवरऑल सीईओ का काम यस सर संभालते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा कम ज्यादा दिक्कत होते रहता है, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो इसी के वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन बट सब्र कीजिए दोस्तों, एक बड़े निर्माण का शुरुआत थोड़े कठिनाई से ही होता है, मुश्किल दौर से निकलना होता है तब बड़ा सब कुछ हो जाता है। लोनावड़ा 1 night 2 day का ये हमारा कुमार रिसोर्ट में, इसके सब फोटो सब कुछ डाल दिया है, 21 तारीख तक आप सबके जितने भी रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म में हो चुके हैं उन लोगों का ही एंट्री इसमें मिलेगा, 10 अकाउंट का पेमेंट आपका होल्ड किया जाएगा जिनके वहां पे एंट्री हो चुकी है, राइट। और जिनकी 10 अकाउंट नहीं भी हुए है उनके बाकी अकाउंट से भी, टोटल अकाउंट से भी पेमेंट होल्ड किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से है, अभी बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना है, कोई लॉस नहीं होगा सर इसमें, पेड आईडी में आप काम कीजिए, अक्षय घोड़े सर आप पेड आईडी में काम कीजिए, कोई लॉस नहीं होगा, सोचे तो हार है सोचे तो जीत है, पेड आईडी में भी काम कर सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलता है कि सिर्फ फ्री में करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिर्फ आप आईडी बना के रखो,
एक तारीख से कर दो चालू, राइट, इस तरीके से, ओके। सो दोस्तों यही सब बातें मुझे बात आप सबके बीच में करने थे। आप एज अ लीडर, मैं आपको समझता हूँ, सब लोगों को, आप एक बड़े लेवल पे काम करने का मौका हमें यहाँ सबको सबके बीच में मिलने वाला है। एक बड़े लेवल पे कभी भी नंबर वन की पोजीशन खाली होती है, आप जिनको भी टॉप पे आना है आप सभी लोग आ सकते हैं। जो मेहनत करेगा वो सब कुछ पॉसिबल है, जो मेहनत करेगा वो आगे आ सकता है, राइट। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के डेट में। हाँ, एक जरूरी सूचना, जिन लोगों ने पेड आईडी किया है, अब जैसे कल परसों किया है, तो लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं कि सर मेरा नंबर उसमें ऐड नहीं हुआ है ग्रुप में। तो ये जो नंबर है गूगल सीट के माध्यम से होते हैं, जैसे आपका वहां पे गया तो गूगल सीट मेरे पास आई, तो ये क्या होता है, ये 8 दिनों का समय लगता है उस सब चीजों के लिए, क्योंकि एक दिन में आप मान लीजिए 8-10 हो गए तो वो तुरंत नहीं होती है, दो चार दिनों का इसमें होता है, राइट। जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उसके आंसर दूंगा। तो इसके लिए उन लोगों के पेड आईडी जो है जिनके ग्रुप में ऐड करने व्हाट्सएप में, वो ऐड करने के हैं, राइट। तो बाकी लोगों के ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, आप सभी को पता होंगे। अब कुछ लोगों के पेंडिंग होंगे, वो भी अभी ये 30 तारीख तक ऐड हो जाएंगे, फिर 30 तारीख के बाद वाले जो रहेंगे उसके लिए और 6-7 दिनों का टाइम लगेगा, उसमें वो ऐड हो जाएंगे। मतलब आपका जब पेड आईडी मिलता है उसके बाद 5 दिन पकड़ के चलना है आपको, राइट। अब आगे बात करते हैं कि कल हमारा ऑफिस बंद रहेगा, बोर्डे सारे लोग कॉल करेंगे, तो आप समझिए कि कल के डेट में ऑफिस बंद रहेगा। और कल शाम के समय में हमारे जॉबर हब में, बड़ी प्राउड की बात है, हमारे जॉबर हब में एक लेडीज है जो फर्स्ट लेडीज है जिनका प्लैटिनम रैंक अचीव हुआ है, तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोले, और एक लेडीज हो के उन्होंने अपना प्लैटिनम रैंक अचीव किया है, जैसे लड़कों ने बहुत सारे किया है। गर्ल में एक माही मैम, माही से एक मैम है जिन्होंने प्लैटिनम रैंक अचीव किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपका। और उनका कल के डेट में 9 बजे शेयरिंग है कि उन्होंने कैसे किया है, वो कैसे प्रोसेस करवाती थी, कैसे अपनी टीम को फॉलोअप करती थी, आप जरूर उनकी शेयरिंग को सुनिए कि वो वर्किंग कैसे करती थी। रही बात पेड कोर्स की, तो पेड कोर्स जब तक सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं तब तक लाइव चलेंगे, ऑनलाइन चलेंगे, और ये जो है ये मंडे से आपको सुबह तक मिल जाएंगे। जो पेड कोर्स वाला ग्रुप है उसी में उसकी लिंक मिलेंगी, उसका कोई पोस्टर नहीं मिलेगा, एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि पोस्टर जब मिलता है तो लोग इधर उधर डाल देते हैं। हाँ, पोस्टर मिल सकता है, लेकिन लिंक, जैसे 8 बजे सेशन है तो पोस्टर मिल जाएगा, लेकिन लिंक टाइम पे मिलेंगी, और वो लिंक जो है वो यूनिक रहेंगे, वो जो कॉमन लिंक है उसमें नहीं रहेंगे, तो ये अलग से एक यूनिक लिंक रहेंगे और वो वहां पे डाला जाएगा, राइट। तो ये लिंक सुबह रहेंगी, जैसे 8 बजे सेशन रहेगा तो 7 बजे तक वहां पे आएंगे, क्योंकि ताकि वो लिंक सबके बीच में ना जाए, ये बात हम सबको समझनी है, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक पॉइंट और रह गया है, पेड आईडी का नंबर आपके पास अलग से है, पेड आईडी के नंबर पे ही आप डिटेल भेजें, आप फ्री आईडी के ऊपर भेजेंगे आईडी, आप वहां पे भी एक्टिव हो सकती है, थोड़ी लेट होंगी, पेड आईडी पे का जो नंबर है उसके ऊपर भेजेंगे तो थोड़े फास्ट होने की संभावना है, और फास्ट ही होगा। सेकंडली, अपलाइन भी भेजता है, डाउनलाइन भी भेजता है, दो तीन लोग भेजते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, कोई भी जिसका पेड आईडी है उसी के व्हाट्सएप से भेजना है, या आप ऑफलाइन भेजते हैं तो एक ही से भेजना है, डबल ट्रिपल भेजते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो चेकिंग करने में, अरे यार ये तो आ गई थी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और जिसकी वजह से टाइम बढ़ता है, राइट। तो एक ही व्यक्ति से भेजिए, बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के डेट में। और एक चीज बताना भूल गया मैं, मेडिटेशन जो क्लास है, मनी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जो क्लास है, जो ये हमने ओपनली रखा है सबके लिए, क्योंकि मेडिटेशन ये क्या है, सार्वत्रिक है, और जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, उतना अच्छा है, राइट। जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे, कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है कि आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, जो भी आपने बात बोली, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 75 डेज चैलेंज अपनाया है, मेरा 15 मिनट से, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया,
15 दिनों से मैंने 75 डे चैलेंज को अपनाया। मेरे यूट्यूब पे सब वो ब्लॉग मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, जैसे उसमें घूमना फिरना, नॉनवेज का पाबंद होता है, नॉनवेज नहीं खाना होता है। अब मैंने तो प्रॉपर छोड़ दिया है, बहुत खाता था मैं, मेरे जितना नॉनवेज नहीं खाता था कोई, बहुत पसंद था लेकिन मैंने छोड़ दिया, राइट। तो निखिल मेंडे नाम से है, इंस्टा पे जाओ या यूट्यूब पे भी निखिल मेंडे सर्च करो तो कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। सेकंडली मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे आप, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठने वाला आदमी, 9 बजे उठने वाला आदमी, तो मैं 5 बजे उठता हूँ। अब मैंने पता किया कि कहीं से नॉलेज लिया कि ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे चालू होता है, 3:55 पे, अब वहां पे चालू कर दिया। अब मेरे वजह से मेरी टीम बड़ी परेशान है, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं उनको भी उठाता हूँ, तो बोलते हैं यार रात को 12-1 बजे तक भी काम करना है सर, सुबह भी उठना है, टीम बड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिर भी बड़ी मजा आ रही है काम करने में, बहुत बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है। और जब आप 75 चैलेंज लेते हैं, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाना है, खर्रा, तंबाकू, दारू, कुछ भी नहीं, वो तो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, सिर्फ एक ही आदत है नॉनवेज की, वो भी छोड़ दिया। सेकंडली आपको मॉर्निंग रिचुअल्स भी फॉलोअप करना है, रात को भी मेडिटेशन, सुबह भी मेडिटेशन करना है, योगा करना है, उसके बाद रनिंग के लिए डेली जाना है, डेली डेली रनिंग करना है। सेकंड और चीज आपको करना है, भरपूर पानी पीना है, कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें करना है। रात का खाना 7 बजे से पहले क्या खाना ही नहीं है, फिर 3-4 बजे खाना हो गया तो रात का खाना नहीं खाना है। अब बताओ अगर सक्सेस बनना है तो क्या ये सब चीजें आप करने के लिए तैयार हो? यस, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा अभी चेहरे पे बहुत सारे वजह से तेज बढ़ गया, तेज नहीं बढ़ा, मैं ये सब फॉलोअप कर रहा हूं। और सुबह उठने के बाद जो मेरा रूटीन है वो बड़ा अलग लेवल पे है, जो मैं आपको ये बताऊंगा। और उसमें से ही एक मेडिटेशन है जो मैं हर संडे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ, जो यूट्यूब पे लाइव करता हूँ, जिसका पोस्टर आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो कल 9:30 बजे मेडिटेशन का क्लास है, आप सभी लोग मेडिटेशन क्लास में जरूर जुड़े, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन का वीडियो आपने देखा था वो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता हो जाएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो रात का खाना अवॉइड करेंगे? अगर आपको अच्छा जिंदगी चाहिए तो रात का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। कितने लोग हैं कि बोलते कि मैं करूंगा? कितने लोग हैं जो बोलेंगे मैं रात का खाना अवॉइड करूंगा? क्या बात है। देखो मैंने ये जब मैंने बात बोली ना, मैं आपको मतलब इसलिए इंटरेस्टिंग पॉइंट टॉपिक है मेरा, मैंने लोगों को बोला कि भाई रात का खाना नहीं खाना है, अरे बोले सर रात का खाना नहीं खाऊंगा तो रात भर नींद ही नहीं आएंगी मुझे। लेकिन रात का खाना आपको 7 बजे से पहले करना है या हल्का खाना है। सुबह खाओ, जैसे उठने के बाद 2-3 घंटे के अंदर आपके पास ब्रेकफास्ट पेट में चला जाना चाहिए, 12-1 बजे आपका खाना चला जाना चाहिए और शाम को 6 बजे तक खा लो, बढ़िया रहेगा। और इतना करो, देखो आपका शरीर कितना तेजी से वर्क करना चालू कर देता है, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारी बीमारी से दूर हो जाओगे। मेरा एक YouTube पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, हम दूध नहीं जहर पी रहे हैं। और इसका वीडियो देखने के बाद आपके आंखें खुल जाएंगे, और यार दूध पीना ही नहीं, चाय तो पीना ही नहीं है, चाय तो बहुत बड़ा कैफीन है उसमें डाला हुआ जो आपके शरीर को खराब करता है। लेकिन दूध, अगर आप बोलेंगे दूध तो बोलेंगे अरे यार ये तो गंदा है, इसको पीना ही नहीं। हाँ, गाय का दूध पी सकते हैं, इसका दूध नहीं, जो बाहर से मिलता है ना वो वाला नहीं दूध, यस गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन जो पॉकेट वाला जो दूध है ना उसमें क्या मिलावट होती है उसका एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, 2-4 दिनों में आ जाएगा। तो इससे मैं ये समझाना जा रहा हूं कि जीवन में तो सबसे बढ़िया है हेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है भाई, पैसा वैसा सब कुछ आ जाएगा। हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, और मैं ये चाहूंगा कि जॉबर ऑफ फैमिली में हर वो व्यक्ति हेल्थी बने। यूट्यूब का भी नाम निखिल मेंडे नाम से ही है सर, जो आपने बिजनेस प्रमोशन वीडियो देखे थे ना वो सब मेरे यूट्यूब चैनल के, राइट। तो चलो टॉपिक भटक रहा है, मेरा सेकंडली एक मीटिंग है 10 बजे का, तो मुझे मीटिंग को एंड करना पड़ेगा। थैंक पतंजलि का दूध पियो क्या सर? पतंजलि का भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग भाई ये थोड़ा चेक कर लेना बहुत सारे प्रोडक्ट का, अब क्या बताओ बाबा जी भी मिलावट ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, मीटिंग को एंड करते यार, मिलते हैं कल के डेट में।